हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें शेयर बाय कैसे कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में पेटीएम मनी ऐप को लॉग इन कर लिया है। अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको डिफॉल्ट स्टॉक देखने को मिलेगा, जो कि पहले से पेटीएम मनी के थ्रू ही आपका स्टॉक्स ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं डिफॉल्ट ETF दिखेगा आपको। यहाँ पास ऑप्शंस में आपने जो भी स्टॉक्स ऐड किया है वो दिखेगा। ये सारे स्टॉक्स मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं और स्टॉक्स ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पास अभी मैं आपको सिंपली बाय एंड सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी स्टॉक में एक बार क्लिक कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पास सीधा सर्च बार में भी क्लिक करके बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पास सर्च बार में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पास मैंने PNB का स्टॉक सर्च कर लिया है। PNB का स्टॉक सर्च करने के बाद अब आपको देख लेना है कि आप कौन से PNB में इन्वेस्ट करने वाले हैं। PNB बैंक, PNB बैंक का हाउसिंग फाइनेंस, गिल्ड्स, ये सारा चीज़ यहाँ पास देखने को मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पास आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय या सेल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पास क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पास मैं बाय और सेल का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वॉच लिस्ट में ऐड करें तो यहाँ पास आपको राइट साइड की ओर सेव बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पास आपको सेव बटन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको वॉच लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको जिस भी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, सिंपली उस वॉच लिस्ट में एक बार क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक्स उस वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पास आप देखेंगे डिफॉल्ट स्टॉक्स में आकर, तो यहाँ पास आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पास हमारे PNB का स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सर्च बार में जाकर डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं, जो कि मैंने एक सिंपल तरीका आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पास वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कर लिया है। अब अगर आपको वॉच लिस्ट से कोई भी स्टॉक्स को बाय करना है तो सिंपली उस स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पास IRFC के एक स्टॉक्स में क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको चार्ट शो कर रहा होगा। अगर आप नीचे की ओर कैंडल वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको कैंडल शो करेगा स्टॉक्स का। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास हमें कैंडल का चार्ट शो कर रहा है। मतलब कि आप यहाँ पास टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सिंपली बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं कि इंटरडे में, वो आपके ऊपर है। तो अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पास अगर आप इंटरडे में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको इंटरडे में सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं अभी आपको सिंपली बाय करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारा क्वांटिटी एक पहले से सेलेक्ट है। तो यहाँ पास हमारा क्वांटिटी पहले से मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपके सामने ऑप्शन है मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस का। अगर आप यहाँ पास कस्टम प्राइस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप कस्टम प्राइस में अनटिक करेंगे तो यहाँ पास आपको जो भी मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, जैसे कि भी IRFC का मार्केट प्राइस चल रहा है 73.70 रुपया, तो उसमें आपका इमीडिएट शेयर बाय हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि लिमिट प्राइस में कभी कभी हमें वेट करना पड़ जाता है। तो अभी मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके इमीडिएट आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास मैं स्वैप टू बाय में क्लिक कर दूंगा। स्वैप टू बाय में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमारा स्टॉक्स बाय हो चुका है। अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पास हम ऑर्डर में चले जाएंगे। नीचे की ओर आपका डैशबोर्ड वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो और ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पास हमें ऑर्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पास हमें सक्सेसफुली वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पास आपको दिखेगा, तो यहाँ पास आपको जो भी स्टॉक्स आपने बाय सेल किया है वो यहाँ पास दिखेगा। तो यहाँ पास हमारा IRFC का एक स्टॉक डिलीवरी में बाय हो चुका है। कितने वैल्यू में? 73.80 रुपया में। कितना क्वांटिटी? एक क्वांटिटी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका कितना ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है नहीं, और आपका जो भी ट्रेड फेल हुआ होगा वो यहाँ पास शो करेगा, और आपने स्टॉप लॉस लगा के जो भी चीज़ आपने ऑर्डर कैंसिल किए होंगे वो यहाँ पास शो करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ऑर्डर में आकर ये सारा चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो हुई आपका ऑर्डर कन्फर्म हुआ है नहीं। अब आपको ऑर्डर का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ पास हम पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद अब यहाँ पास आपका पोजीशन शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा IRFC में पोजीशन बना हुआ है, और ये हमारा टुडे PNL शो कर रहा है।
तो दोस्तों आपको पोजीशन में ये आज का पोजीशन शो करेगा, और अगर आप डिलीवरी में बाइक करके रखे हैं और आपको दो तीन दिन हो गया बाइक किए, तो यहाँ पास आपको होल्डिंग में शो करेगा वो वाला स्टॉक्स। तो अभी हमारा पोजीशन हमने आज बाइक किया है तो यहाँ पास शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉक्स में पोजीशन तो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है।